कलावती देवी। ऐसे किस बार वोट देने वाली हैं? नीतीश कुमार को। क्या वजह है उसको लेकर? वजह बहुत सारे हैं। वजह है कि आज महिलाओं को 50% आरक्षण दिए, ये जीविका का यही बोला है कि जीवन से गरीब महिलाओं का बैंक में आसानी से लोन 1,50,000-20,000 जो 10 रुपये 5% पर लेने जा रही थी, 1 रुपये 8 आने बैंक दे रहा है। ऊपर से बिजली, रोड, ये पोशाक, लड़की पास होती है 10,000-20,000-50,000। बहुत सारा सुधार। पहले तो सर हम लोग सपना में भी नहीं सोचे थे कि हम लोग के गांव में बिजली आएगा, ये तो सपना जैसा लगा। ऊपर से 22 घंटा सर बिजली रह रहा है। इसके बाद देखिए कि याद है 15 साल पहले वाला राज ना, कि यहाँ ले आ रहा जाने में हम लोग को 4 घंटा लगता था, 4 घंटा लगता था। आज हम लोग 45 मिनट में आरा पहुँच जाते हैं सर। आज चोर चमारी का कोई डर नहीं है। ऊपर से देखिए कि आज NDA का ही सरकार है कि 370 कोई सपनों में नहीं सोचा था कि कश्मीर से हटेगा। 3 तलाक वाला मुद्दा मोदी जी आकर हटाए, नीतीश कुमार इतना किए कि आज महिलाओं का 50% आरक्षण दे दिए हैं कि सारे। और आपका हरिजन कोई सपना में भी नहीं सोचा होगा कि मुखिया, सरपंच, जिला परिषद के कुर्सी पर कभी बैठेंगे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है कि सारे लोग मुखिया, सरपंच, हरिजन जितने हैं वो मुखिया आरक्षित सीट कर दिए, जिससे चुनाव में खड़ा होकर आराम से उन लोग जीत कर और बैठा हुआ है। आज महिला इतना सशक्त हो गई है कि कोर्ट कचहरी थाना किसी जेंट्स को जरूरत नहीं है। आज नीतीश कुमार का देन है कि उन लोग इतना सशक्त हो गई है कि उन लोग अपने जाकर पुलिस SP, DSP, DM किसी से बात कर सकती है। इतने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार का जितना विकास किए, आप लोग भी जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के देश नहीं विदेश में भी नाम है। ये सब बात आप लोग भी जान रहे हैं। आज ये लोग झंडा लेकर लंटेन का या 3 तरह का कर रहा है। कल तक लंटेन का क्या दशा था? पटना से सारे लोग जितने शरीफ लोग थे भाग रहे थे, बेच बेच कर दुकान फ्री में दे दे कर भाग रहे थे। आज देखिए, आज नीतीश कुमार का देन है कि सारा व्यापारी आराम से रह रहा है, सारे पूरे इज्जती लोग इज्जत से सम्मान से रह रहे हैं, महिला का भी। आज देखिए हमारा मुख्यमंत्री के देन है कि दारू पीकर दिन कर यहाँ 5 गो गाली वहाँ 5 गो गाली, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि बेचा रहा है, ठीक है, चोरी से ना बेच रहा है। सामने किसी का हिम्मत है तो पीकर और बेच कर हमको दिखाए, तो ऐसा बात तो है नहीं सर। इसलिए हाँ सर बता नहीं सकते हैं। लालू राज में सिर्फ कागजी काम होता था, लूटपाट, परिवारवाद। हमारे परिवार में मुख्यमंत्री अपने थे तो पत्नी को बना दिया, क्यों नहीं? राजद पार्टी में और मुख्यमंत्री बनाने वाला नहीं था, और भी लोग बन सकता था सर, लेकिन वो अपने पत्नी, साला, बेटा, बेटी, ये कौन पार्टी है सर? ये एक दो को कमियाँ रहे तब ना सारा उनका अभी लड़ाई के नाम 2,000 करोड़ ना, बाकी लोग का खाने का भी नहीं पड़ा है। उन्हीं का पार्टी के बोल रहे हैं, दूसरे का पार्टी के नहीं। बहुत सारा कमियाँ है। और आज नीतीश कुमार में कौन ऐसा बेईमान है ना कोई बेईमानी कर रहा है इससे? सर हम लोग सारे और हमारे जो प्रत्याशी हैं प्रभुनाथ जी वो जीत रहे हैं, और अगला सरकार नीतीश कुमार का ही बनने वाला है सर, ये दावे के साथ मैं कह रही हूँ। क्या वजह है नीतीश कुमार को चुनने? नीतीश जी का बहुत वजह है कि एक विकास पुरुष हैं, क्योंकि नीतीश जी का ही दिन है कि जो आरा से लेकर के हम लोग को जाने में 4-4 घंटा समय लगता था, आज 45 मिनट में हम लोग आरा पहुँचते हैं। ये विकास का काम किए रोड का, और बच्चियों को जो इस हाँ सब रोड बनाए हैं। हाँ सर, एकदम रोड तो बहुत एकदम देख ही रहे हैं, चमक रहा है। जहाँ जाइए बिहार में हर जगह रोड एकदम चमका दिए, हर क्षेत्र में काम किए हैं। सिर्फ रोड ही नहीं, अभी बिजली का भी अच्छा पोजीशन है। और लालू जी के टाइम में तो हम भाषण सुनते थे ना, कहते थे कि हम भैंसिया पर आगे से चढ़त रहें, यही सब भाषण दे करके। और उस वक्त जो हम लोग के उस वक्त नौजवान थे हम, उस वक्त मेरा पढ़ाई तो जो भी सर्टिफिकेट मिलता था तो लोग कहते थे कि ये लालू डिग्री है। और जो है कि अगर बेरोजगारी का अगर देखा जाए तो उन्हीं के टाइम में बहुत ज़्यादा, जो आज हम लोग के हर एज लिमिट लगभग पार कर चुके हैं, उन्हीं का देन है बेरोजगारी। उस वक्त जो इतना बढ़ा है लालू जी के टाइम, उस वक्त जो है कि कोई के रोज़गार नहीं। आज उनका लड़का जो है तेजस्वी पूरा बिहार भर में चिल्लाते चल रहे हैं कि हम जो है कि 10 लाख के जो है कि एक बार में हम बेरोजगारी दूर कर दें। हमको तो लगता है कि सब छलावा है, और ये सब जनता को क्या लगता है, सब रोजगार मिल पाएगा 10 लाख लोगों को? एकदम मिल पाएगा। कैसे? नीतीश जी के द्वारा मिल पाएगा, तेजस्वी के द्वारा नहीं मिल पाएगा।
इसलिए कि नीतीश जी घोषणा किए हैं कि जो भी बेरोजगार हैं उनको 3-3 लाख रुपया कम ब्याज की दर पर के दे करके हम रोजगार को बढ़ावा देंगे। तो इसके हमको लगता है मिल भी रहा है, बैंक से लोन भी मिल रहा है और आदमी लेकर जिसको जरूरत है उस अनुसार से अपना रोजगार भी कर रहा है। तो ये जो विकास बता रहे हैं किन किन क्षेत्रों में विकास हुआ? रोड के क्षेत्र में विकास हुआ, बताया आपने। इसके बाद में स्वास्थ्य विभाग में भी किए, जहां अस्पताल की जर्जर हालत थी उस अस्पताल में आज सारे व्यवस्थाएँ कायम है, दवा तक मिल रहा है। इसके बाद में पोशाक योजना जो बच्चियों को चलाए वो पोशाक योजना मिला, साइकिल योजना जो बच्चों को चलाए वो साइकिल योजना मिला। आज बच्चों को जो छात्रवृत्ति हम लोग कभी सपना में देखे भी नहीं थे, मास्टर के पास हम लोग जा कर के बोलते थे कि हम लोग बच्चे को भी छात्रवृत्ति कर दीजिए, लेकिन वो नहीं कर पाते थे लालू जी के राज में। लेकिन आज के डेट में सीधे बच्चा को बैंक के खाते में पैसा जा रहा है, ये तो विकास ही ना है। भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? भ्रष्टाचार के भी स्थिति है कि लालू जी के राज में जब गाड़ी पर लोग बैठ करके और गाड़ी के शीशा खोल करके बंदूक की राइफल ऐसे करके लोग चलते थे, लेकिन आज कहीं राइफल दिखाई नहीं दे रहा, ये नीतीश जी का ही देना है। और रोड पर शाम के बाद चलना मुश्किल था, कोई औरत जब चलती थी तो सोचती थी कि हमको कहीं ये मत हो जाए, क्योंकि गुंडा का राज चल रहा था, कहीं लोग अपहरण कर लेते थे। लालू जी तो चलो लालू जी का शासन चला गया, लेकिन तेजस्वी तो नए नए वादों के साथ आ रहे हैं, क्या आप उन पर विश्वास नहीं करते? नहीं, विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है कि वो परिवारवाद में आज भी लड़े हैं। आज 12 वो अपने परिवार को टिकट दिए हैं। जो आदमी अपने परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ सकता है वो कभी विकास देश के लिए नहीं कर सकता है। तो क्या लगता है आपको, ऐसे ही बना रहेगा परिवारवाद की स्थिति, या कभी मतलब तेजस्वी के वादों पर भरोसा है? नहीं है, नहीं है सर, रहेगा तो सर ऐसा ही रहेगा। उनकी बात पर उस जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाना है और जनता को बरगला करके वोट लेना है। जिस तरह से लालू जी कहते थे कि भैंस के हम आगे से चढ़ते थे, उस वक्त जनता उसी पर खुश रहती थी। और भैंस पर पीठ पर बैठना, ऊपर पीठ पर बैठना भैंस के, इस तरह इस बात के मतलब कि ये सब जो है कि देहात में जो लोग हैं बहुत खुश होते थे उस वक्त, बहुत उन लोग की खुशी होती थी, इसलिए कह लालू जी भी जो भैंस चराए हुए हैं और जो है कि चरवाहा विद्यालय और मालूम है आपको हर तरह के, उस वक्त शिक्षा के भी ऐसा पोजीशन था। चरवाहा विद्यालय क्या? चरवाहा विद्यालय भी खोले थे ना सर, ज्ञान दे रहे थे भैंस चराने के लिए, ज्ञान देते थे कि कैसे भाई उस तरह के वो विद्यालय खोल रखे थे। हाँ, और चारा लास्ट में तो पूरे जो है कि पूरे इंडिया का मालूम हो गया कि उसी का चारा खा भी गए और आज देख रहे हैं कि जेल के अंदर में। क्या पता है आपको इस बारे में? सर हम तो नहीं देखे पीछे की सरकार को, लेकिन थोड़े से आगे आ जाए, क्योंकि जब हम देखे हैं तो ये यहाँ से गढ़हनी तक या फिर आरा तक एकदम इतना खराब सड़क था ना कि यहाँ से सड़क यहाँ पर ट्रैक्टर पर बिठा करके किसी को गढ़हनी पहुँचा दिया जाए तो उसका हालत खराब हो जाता था, वो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। कुछ बता रहे थे वो तो बताइए। विद्यालय जैसे चरवाहा विद्यालय सर, जैसे में उनके कहने का मतलब ये था लालू जी के कि आप भैंस के बारे में इसलिए वो ज़्यादातर उल्लेख करते थे और लाठी का, कि ताकि ये लोग नीचे के लोग हैं जो उसी में रह जाएं, बस भैंस चराव ये लाठी लुठी उसी में उनको खुश कर देते थे, बस यही चरवाहा विद्यालय का उनका नॉलेज था, यही दे रहे थे। और सर तुमसे मैं कह रहा हूँ।